बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दरूद सलाम। मैं हूं काशिफ खान यूसुफ़ज़ई, वाइट एप्पल कम्युनिकेशन पेशावर से हम लेकर आए हैं सेल फोन के हवाले से तमाम तर वो सर्विसेज जिसका यानी कि आप सबको हमेशा से इंतजार रहा है। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस है ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए। हमारी जो वेबसाइट है www.whiteapple.com.pk, वहाँ पर आप हमसे यानी कि रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करते हैं कंपनी से ऑफिशियल स्टॉक जो PTA अप्रूव्ड होते हैं पिन पैक न्यू सेल फोन्स, वो आपको यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर नज़र आ जाएगी। लेकिन इस वीडियो में जो हमारी जो वीडियो बन रही है इस वक्त, जो देख रहे हैं आप इस वक्त, खैर से ये यूज्ड सेल फोन्स के हवाले से है। मेरे पास कुछ फ़ोन जो है वो कलेक्ट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अच्छी कंडीशन में है, PTA अप्रूव्ड है, लाइफ टाइम गारंटी के साथ है PTA के हवाले से, और सम हाउ फोन्स में कंपनी की भी वारंटी अवेलेबल है। और ऑलमोस्ट जितने भी सेल फोन्स आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह उन तमाम के साथ अपने ओरिजिनल बॉक्स, वारंटी, चार्जर, केबल वगैरह सब कुछ मैसर होंगे। तो आइए शुरुआत लेते हैं अपने यूज सेल फोन्स के हवाले से। तो सबसे पहले जो हमारे पास इस वक्त फ़ोन जो है वो है रेडमी का नोट 11 प्रो है, जो कि 6+2 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। ये फ़ोन तो वैसे माशाल्लाह कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात बताने को है, वो ये है कि ये जो कॉर्नर है यहाँ से हल्का सा रंग जो है उतरा हुआ है, और यहाँ से भी एक हल्का सा रंग उतरा हुआ है। इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में नोट 11 प्रो दिखाया था 6+2 GB वाला, वो हमने सेल किया था 58,000 में। लेकिन ये जो रेडमी का नोट 11 प्रो है इसके साथ ओरिजिनल बॉक्स, चार्जर सब कुछ अवेलेबल है और अंडर वारंटी है, और ये आपको मिलेगा 56,000 में इस कंडीशन की वजह से। हमारे पास जो अगला फ़ोन है वो है Xiaomi का 11 Lite 5G NE है, जो कि 8+3 GB 256 GB है। डब्बा, चार्जर सब कुछ ओरिजिनल है, कंडीशन माशाल्लाह बिल्कुल 10/10 है, किसी किस्म का स्क्रैच ना फ्रंट पर है, ना बैक पर है, ना साइड पर है, और ये आपको डिलीवर होगा 70,000 में। हमारे पास जो अगला फोन है वो है पोको का X3 प्रो, जो कि 6+2 GB और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। ये जो फोन है हमारे पास इस वक्त, इसका जो शीशा है, ये जो कड़ा सा जो है, ये ज़रा सा रफ है और साइडों से भी ज़रा रफ है, लेकिन फ्रंट से ज़रा सा भी स्क्रैच फोन पर नहीं है। ओरिजिनल डब्बा चार्जर के साथ है। वारंटी जो है इस सेल फोन में वो तकरीबन जो है 3 से लेकर 4 महीने की वारंटी है, और ये आपको डिलीवर होगा 47,000 में। हमारे पास जो अगला फ़ोन है वो पोको का X3 प्रो है, जो कि 8+3 GB और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आया है, जो कि कोबाल्ट ब्लू कलर में है, और ये आपको मिलेगा 58,000 में। अंडर वारंटी है, वारंटी 2 से लेकर 4 महीने की वारंटी है, इससे ज़्यादा वारंटी इसमें नहीं है। हमारे पास एक और फ़ोन है रेडमी का नोट 11, जो कि 6+2 GB कंसेप्ट के साथ है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। अंडर तकरीबन 11 महीने की वारंटी है इस फ़ोन में, या 11 महीने से बल्कि ज़्यादा की वारंटी है। हमसे ही ओरिजिनल पिन पैक लेकर गए थे, 50,000 का हमसे लेकर गए थे, तकरीबन जो है एक हफ्ता या 10 दिन पहले लेकर गए थे। उस हिसाब से 11 महीने और 20 दिन की वारंटी है। ब्लैक कलर में है, 10/10 कंडीशन है, डुअल स्पीकर है और टाइप सी है, इंतहाई खूबसूरत फ़ोन है। डुअल स्पीकर का मतलब ये है कि वाकई डुअल स्पीकर है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो ये जो फ़ोन है ये आपको डिलीवर होगा 45,000 में। हमारे पास जो अगला फ़ोन है वो है वीवो का Y21 है, जो कि 4+1 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। इसकी जो अभी जो मार्केट की जो नई कीमत जा रही है वो 40 से लेकर 42,000 के बीच नई की कीमत जा रही है इस फ़ोन की, और ये आपको डिलीवर होगा 35,000 में। हमारे पास जो अगला फ़ोन है वो सेम मॉडल है वीवो का Y21 सीरीज़ है, लेकिन वारंटी जो है वो पिछले फ़ोन से ज़रा सी कम है, कंडीशन बिल्कुल सेम है, ओरिजिनल बॉक्स सब कुछ के साथ ही आया है, और ये आपको डिलीवर होगा 34,500 में। हमारे पास एक और फ़ोन है वीवो का Y33S है, जो कि 8+4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है, और ये जो Y33S है कंडीशन में बिल्कुल 10/10 है, और ये आपको डिलीवर होगा अंडर वारंटी, डब्बा, चार्जर, केबल सब कुछ के साथ ओरिजिनल है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म का स्क्रैच कुछ भी नहीं है, जो कि मैं आपको कैमरे पर शो करूं, और इसकी जो कीमत है वो है 44,000। हमारे पास एक और फ़ोन है वीवो का Y55 मॉडल है, जो कि 8+4 GB और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन है, और स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ ये फ़ोन आया है, 44 वाट फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ ये फ़ोन आया है। अंडर वारंटी है, फुल पैकिंग है, और ये वाला जो फ़ोन है ये आपको मिलेगा अपने कंडीशन में, कंडीशन जो है इस फ़ोन का वो 9.5/10 है, और ये आपको मिलेगा 55,000 में, ये आपको डिलीवर हो जाएगा। अगला जो फोन है हमारे पास वो सेम मॉडल है वीवो का Y55 है, स्नैपड्रैगन 680 है, एमोलेड डिस्प्ले है, 44 वाट है, कैमरा वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन कंडीशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो 10/10 है, और ये आपको डिलीवर होगा 57,000 में। हमारे पास जो मज़ीद फ़ोन्स हैं वो सैमसंग की, अब शुरुआत लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। A32 का मॉडल है मेरे पास, सैमसंग A32 है, जो कि 6 GB 128 GB है, और सैमसंग का जो मॉडल है A32 किसी किस्म का किसी तारीफ का मोहताज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो सैमसंग का जो मॉडल है A32 पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। मेरे पास जो A32 के जो मॉडल पड़े हुए हैं तकरीबन वो मेरे पास इस वक्त पड़े हुए हैं 4 पड़े हुए हैं। तो हर एक फ़ोन को जो है उसकी मैं वारंटी चेक करता हूँ, वारंटी बताता हूँ, और इसका जो कोड है
कोड भी आप यानी कि नोट कर लीजिए अगर आपको पसंद आता है। तो ये जो फ़ोन है हमारे पास, इस पर डेट ऑफ फर्स्ट का अभी यानी कि शो नहीं हुआ, मतलब इसकी वारंटी जो है अभी वो स्टार्ट नहीं हुई या डिटेक्ट नहीं हुई, तो उस सूरत की वजह से इसकी जो 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 कीमत है वो अपने वारंटी और तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोड बता दूँ। सबसे पहले कि इसका जो कोड है वो है जनाब 8814 कोड है, 8414 कोड है इस फ़ोन का, और ये आपको डिलीवर होगा 48,000 में। 58,000 इस वक्त जो है इसके नई की कीमत है और 48,000 में ये आपको डिलीवर होगा। अगला जो फ़ोन है हमारे पास सैमसंग का सेम मॉडल है 32, जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल माशाल्लाह 9.5x10 कंडीशन में है बैक से साइड से। लेकिन यहाँ इसकी सबसे पहले वारंटी चेक करते हैं, वारंटी के बाद कोड बताता हूँ कि इस फ़ोन का कोड क्या होगा जिसके ज़रिए आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते होंगे। तो स्टेटस इन्फॉर्मेशन पर आते हैं, वारंटी जो है इस फ़ोन में वो सिर्फ़ और सिर्फ 3-3.5 महीने की रह गई है। तो 3-3.5 महीने की वारंटी है इस फ़ोन में और ये आपको डिलीवर होगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह 43,500 में। कोड जो है इस फ़ोन का वो है 5151 A32 5151, जिसकी वारंटी जो है वो 3 महीने की है और ये 43,500 में आपको डिलीवर होगा। एक फ़ोन जो देखा है फर्स्ट आपने वो 48,000 का होगा और ये जो है वारंटी की वजह से आपको होगा 43,500 में। अब वारंटी इसमें कम है, आप अक्सर लोग कहते हैं कि यार रेट ज़्यादा है, तो रेट ज़्यादा नहीं होता, मार्केट में ज़रा घूमें फिरें तो मज़ा भी आएगा, आपको पता चलेगा कि हमारी जो वीडियो आप घर बैठ कर देखते हैं आपको जो सहूलत दी जाती है और आपको जो फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, आपको हमारी कीमतों का अंदाज़ा हो ज़रूर जाता है बाद में जब आप मार्केट का विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं। अक्सर बात करते हैं ओलेक्स पे, यार ओलेक्स पे जो अच्छा मिलता है, ओलेक्स पे जो सरप्राइज़ मिलते हैं ना उनका भी आपको पता होना चाहिए। मैं अक्सर जाता हूँ ओलेक्स पे, देखता हूँ ओलेक्स पे क्या मिलता है, जी 32 जो है मुझे मिल रहा है 20,000 रुपये में। अब कॉमन सेंस इज़ द ग्रेट सेंस, तो अगर कॉमन सेंस को मद्देनजर रखते बात की जाए तो आपको कहाँ से 32 जो है 20,000 का मिलेगा। अगला आपको बुला रहा है या आपसे एडवांस पैसे मंगवा रहा है 20,000-10,000 रुपये, इसका मतलब है कि वो चूना भी लगाते हैं और कत्थे के साथ चूना लगाते हैं आप लोगों को, और जब चूना लग जाता है फिर आप लोग जो है ऑनलाइन सर्विस पर एतमाद नहीं करते, और हम जो है यहाँ पर आपसे सिर्फ 500 रुपये एडवांस मंगवाते हैं, साथ में ये कमिटमेंट करते हैं कि अगर एक फ़ोन की कीमत 30,000 रुपये है, 500 एडवांस लिया है, जब आपके घर आपके डोरस्टेप पे मोबाइल पहुंच जाए, आप रिसीव कर लें, आपको जिस तरह कहा है पार्सल को ओपन करें, देखें, जांचें, उसके बाद जो है आप बाकी जो 29,500 रुपये वो दें। 500 एडवांस लेने का मकसद ये नहीं कि आपसे कुरियर के चार्जेस ले जाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि 500 हम लेकर आपको अपने साथ बाउंड कर लेते हैं सिर्फ एक बुनियाद पर। अगर आप फ़ोन रिसीव ना करें तो वो जो कुरियर का जो एक्सपेंस होता है 500 से लेकर 1,000 तक, वो सारा का सारा हम पर लागू ना हो। तो आइए हमारे पास एक और मॉडल है 32। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनकी जो माता जी हैं या अम्मा जी हैं, जो मम्मी जी हैं और जो है वो वितराम से हैं, तो जो लोग वितराम पर ट्रस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान नहीं खरीदते, तो उनके लिए सरप्राइज़ है कि बच्चा आया है वितराम से, तो उसको देख लेते हैं, इसकी वारंटी चेक कर लेते हैं। तो वारंटी जो है इस फ़ोन की वो है जनाब, वारंटी इसकी ख़त्म हो चुकी है, वारंटी ख़त्म है और कंडीशन जो है इस फ़ोन की वो ऑलमोस्ट 10x10 तो नहीं है, 9x10 कंडीशन है। तो 9x10 कंडीशन की वजह से और वितनाम की वजह से, वितनाम की जो परचेजिंग होती है और वो जो ख़रीदो फरोख्त होती है नॉर्मल मार्केट में, वो ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि अक्सर जो होते हैं माशाल्लाह से हमारे जो होशियार पाकिस्तानी हैं, अगर उनके सामने एक सैमसंग 32 पिन पैक रख दिया जाए वितनाम का, एक पाकिस्तान का, तो वो वितनाम वाला 65,000 का ख़रीद लेंगे और पाकिस्तान वाला 58 का नहीं खरीदेंगे। हालांकि सैमसंग है भाई, एक ही चीज़ बनाती है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अपने मुल्क से इनकी बिल्कुल ही बस वफा ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल वितराम की वजह से ये आपको डिलीवर होगा 44,000 में, अगर आप लेना चाहें, अगर आपको अच्छा लगे। और इसका जो कोड है वितराम वाले का, कोड जो है जनाब वो है 7728, 7728 जो है इसका कोड है। हमारे पास जो अगला फ़ोन है वो पर्पल कलर का फ़ोन है A32, जो कि वितनाम है, और इसके जो बैक साइड पर जो है हल्के हल्के से स्पॉट्स हैं, जो कि शायद आपको कैमरे की आँख आपको ना दिखा पाए, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप ट्रस्ट कर लें इंशाल्लाह, जब मैं भेजूंगा फ़ोन आपको तो पहले इसकी पिक्चर भेज दूंगा क्लियर से, आपका अंदाज़ा हो। अब सपोज़ इतने फासले से आप देखते हैं तो आपको वो स्पॉट्स जो कवर की जैसे बनते हैं वो नज़र नहीं आएंगे आपको। अच्छा, इसकी वारंटी चेक कर लेते हैं, तो वारंटी जो है इस फ़ोन की वो है जनाब आला 5 महीने की वारंटी है पूरी की पूरी, और बॉक्स चार्जर वगैरह सब कुछ है इस फ़ोन के साथ, और ये आपको डिलीवर होगा 45,000 में। हमारे पास जो अगला फ़ोन है वो सैमसंग का है A13, जो कि 4GB 128GB है, और दूसरा भी 4GB 128GB है, एक ब्लैक कलर में है और एक
ब्लू कलर में है। जो ब्लू वाला है और ए 13 की अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो 4GB 128GB जो वेरिएंट है उसकी ऑफिशियल कीमत जो है 48,000 है, और अगर आप बाज़ार जाते हैं ख़रीदने के लिए हमसे नया पिन पैक खरीदते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 45,000 में ईजिली जो है नया मिल जाता है। लेकिन ये जो ब्लैक वाला है ये आपको डिलीवर होगा 39,000 में, और ये जो ब्लू वाला है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल न्यू फ़ोन है और ये आपको डिलीवर होगा 40,000 में। वारंटी जो है चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नए मॉडल है, ऑलमोस्ट इनमें 10 मंथ प्लस की वारंटी होती ही है। तो आगे जाते हैं मज़ीद मॉडल्स की तरफ, तो मेरे पास जो सैमसंग का A03 मॉडल है जो कि एक ब्लैक कलर में है और एक हमारे पास ब्लू कलर में है। तो ब्लू कलर का जो फ़ोन है हमारे पास A03 4GB 64GB वो सॉरी 3GB 32GB ये फ़ोन है A03। इसकी जो नई की कीमत है वो 29,000 से लेकर 30,000 तक चल रही है मार्केट में, ये आपको डिलीवर होगा 26,500 में। और ये जो A03 है 4GB 64GB है जिसकी नई की कीमत जो मार्केट में जा रही है 31,500 से लेकर 34,000 तक नया आपको मिल जाता है मार्केट में, लेकिन हम जो नया दे रहे हैं A03 4GB 64GB वो 32,000 में हम नया सेल कर रहे हैं। तो ये जो फ़ोन है A03 4GB 64GB जो अंडर वारंटी है, फुल पैकिंग में है, जो फुल पैकिंग मतलब कंपनी से सिर्फ चार्जर और केबल साथ आती है, और ये आपको डिलीवर होगा खैर से 28,500 रुपये में। और अगला जो मॉडल है हमारे पास वो है सैमसंग का गैलेक्सी A12 जो कि 4GB और 128GB मेमोरी के साथ है, अंडर वारंटी है, डब्बा चार्जर सब कुछ साथ है, कंडीशन जो ब्लैक है बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरी है और किसी किस्म का कोई दाग वगैरह स्पॉट्स वगैरह नीचे से या साइड से नहीं है या ऊपर की तरफ नहीं है इसके ग्लास की तरफ। और इसकी जो कीमत है, अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये A12 सस्ता है, A12 की जो कीमत है इस वक्त पाकिस्तान में, अगर ये मेजॉरिटी में जो है इस वक्त लाहौर और कराची के मार्केट में ज़्यादा मिलेगा, मजीद शहरों में भी मिल जाए मुल्तान वगैरह में या पेशावर में, जो नई की कीमत है 4128 की वो है 40,000-41,000 रुपये होल सेल में पड़ता है, 39,500 का हमें, और जो है आपको नया मिलता है 40,000-41,000 का। और ये जो फ़ोन है 4128 ये यूज़ में मिलेगा आपको खैर से 32,500 में। हमारे पास एक और फ़ोन है जो कि गैलेक्सी A23 कलर है, पीच कलर है, पीच आड़ू का कलर है, पश्तों में शमतालू कहते हैं, तो शमतालू कलर का फ़ोन है ये। इसको जो इसकी जो वारंटी है ऑलमोस्ट फुल है, 6GB 128GB है, नई की जो कीमत है वो जा रही है 52,000 से लेकर 54,000 रुपये में, ये नया है, और ये आपको डिलीवर होगा 47,000 में इस वक्त 6GB 128GB मेमोरी के साथ। हमारे पास जो सैमसंग का जो मिड लेवल का जो फ़ोन है, यानी कि एक अच्छे लेवल का जो फ़ोन है, यानी कि मिड लेवल का अच्छा फ़ोन जो होता है, सैमसंग गैलेक्सी A73 है जो कि 8+8GB और इंटरनल 256GB मेमोरी के साथ है। अच्छा इस फ़ोन की अगर बात की जाए तो इसकी कंडीशन को पहले हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो है एक दाग है जो कि आप बखूबी मुझे लगता है कि आसानी से देख चुके होंगे इस जगह को, और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ आए तो यहाँ से हल्का सा रंग उतरा हुआ है और यहाँ से हल्का सा रंग उतरा हुआ है। बाकी इसके साथ अपना ओरिजिनल जो डब्बा है, वारंटी है ऑलमोस्ट, मैं चेक कर लेता हूं कि वारंटी इसकी कितनी है सैमसंग A73 की। तो A73 की जो वारंटी है जनाब वो है 8 महीने और 20 दिन की वारंटी इस फ़ोन में रहती है, सॉरी 8 महीने और 20 दिन की वारंटी है इस फ़ोन में। अगर नया ख़रीदना चाहें तो 1,33,500 ऑफिशियल है, 1,26,000 का आपको नया मिल जाता है, और इस कंडीशन में जो फ़ोन है ये आपको डिलीवर होगा 1,04,000 रुपये में आपको डिलीवर हो जाएगा। ओप्पो का जो मॉडल है F21 Pro जो कि 4G वेरिएंट का फ़ोन है, जो कि अपने रिंग लाइट की वजह से, अपने डिज़ाइन की वजह से 5G से भी ज़्यादा आगे रहा है, और इसकी जो नई की कीमत है वो 75,000 है। ये जो ब्लैक कलर का फ़ोन है ये आपको डिलीवर होगा 66,000 में ऑल ओवर पाकिस्तान अंडर वारंटी। हमारे पास एक और फ़ोन है जो कि है ओप्पो का A16 4GB 64GB जो बिल्कुल 10x10 कंडीशन में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये फ़ोन नया ख़रीदना चाहें तो नया जो है ये फ़ोन आपको मिलेगा 40,000 रुपये में या 42,000 के बीच, ये फ़ोन आपको नया आजकल मिलने को मिलता है। लेकिन ये जो फ़ोन है ये आपको डिलीवर होगा 35,000 में ऑल ओवर पाकिस्तान विद फ्री कैश एंड डिलीवरी सर्विस के साथ। हमारे पास एक और फ़ोन है इन्फिनिक्स का जो कि है हॉट 12 प्ले G85 चिपसेट के साथ है, 4+3GB रैम है, 6000mAh बैटरी है, टाइप सी है और डुअल स्पीकर के साथ, मतलब ये है कि जो साउंड स्पीकर और एयर पीस स्पीकर जो है वो दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों अलग अलग हैं, सेम एक ही नहीं है, जिस वजह से मसले दरपेश होते थे, तो सैमसंग इन्फिनिक्स ने ये चीज़ को निकाला है और बहुत अच्छा किया है। अच्छा इसकी जो मार्केट की जो नई कीमत जा रही है वो जा रही है 33,000 और 34,000 का नया मिलता है, और ये जो हार्ड फेल प्ले है 4GB 4+3GB 64GB ये आपको डिलीवर होगा अंडर फुल वारंटी है और ये आपको मिलेगा 28,500 में। टेक्नो का कमेंट 18P मॉडल है जिसके यानी कि सवालात बहुत लोग करते हैं नए के हवाले से, तो आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि टेक्नो का मॉडल K1 18T और K1 18P ये डिसकंटिन्यूड हो गए हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आना बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, तो मज़ीद ये फ़ोन नहीं आएंगे। अगर यूज़ में अवेलेबिलिटी हो जाए तो वेल एंड गुड, ना आए तो सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा एक ख़ास बात ये है वो ये कि जो फ़ोन इस वक्त इस पार्ट में आप देख रहे हैं, जो
पार्ट 20 है या 19 है, पार्ट 19 में आप देख रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा किसी भी फ़ोन के बारे में बिल्कुल सवाल ना कीजिएगा। ज़्यादातर लोग होते हैं वो जी नोकिया का X3 मिल जाएगा जी, सैमसंग का G7 Prime मिल जाएगा जी, सैमसंग का Galaxy A6 Edge मिल जाएगा। भाई जान हमारा टाइम हमारा वक्त ज़ाया, इसलिए ना करके फिर हम भी यानी कि बिल्कुल तब जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हम दिखा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। तो हम इंसान हैं और बहैसियत इंसान के आपसे गुजारिश करते हैं बखुदा जो फ़ोन आपको दिखाए जा रहे हैं इस पार्ट में। अच्छा ये जो वीडियो है ये आज की डेट यानी कि आज जो है 2 जनवरी 2023 को अपलोड हो रही है, तो इसकी जो एक्सपायरी डेट है इस वीडियो की वो है 6 जनवरी 2023। अगर 6 जनवरी 2023 के बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस फ़ोन के बारे में बिल्कुल भी ना पूछेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सेल हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन ही सेल हो जाए, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर हुई, मार्केट के प्राइस वगैरह की जो आइडियाज़ हैं वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। अगर आप खरीदते हैं तो वेल एंड गुड मोस्ट वेलकम, अगर नहीं खरीदते तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिहाज से भी आप इन तमाम तरह वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो कैमरा 18P जो है अंडर वारंटी है, डब्बा है, चार्जर है, सब कुछ इसके साथ है खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। 10x10 कंडीशन में ये फ़ोन है ऑलमोस्ट, और ये आपको मिलेगा 38,500 में 8+5GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो आईफोन वाले जो हजरात हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो फ़ोन है इस वक्त आईफोन का, जो कि 79% बैटरी हेल्थ है इस फ़ोन की और 64GB जो है इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन है और 10x10 कंडीशन में है। आईफोन एक्स है ये खैर से, एक्सेस है सॉरी, और ये आपको मिल जाएगा 53,000 में। ये आपको डिलीवरी का नॉन अप्रूव है, PTC अप्रूव बिल्कुल नहीं है। ये 53,000 का आपको मिल जाएगा। डीकोड का जो मॉडल है Bolt 2, जो कि मेंट कलर का इंतहाई खूबसूरत और गुड लुकिंग इंप्रेसिव फ़ोन है, 50MP AI ट्रिपल कैमरे के साथ है, 32,500 आजकल नई की कीमत है, और ये फ़ोन जो है ये आपको डिलीवर होगा खैर से 28,000 में, 4+3GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 28,500 में आपको डिलीवर होगा। हमारे पास जो अगला फ़ोन है सबसे सस्ता फ़ोन, सस्ता नशा, आईफोन का नशा, सस्ता नशा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब में आईफोन के लुक का एक फ़ोन हो तो बाखुदा आपसे गुजारिश है कि कभी भी यानी कि जो कॉपी फ़ोन मिलते हैं आईफोन वगैरह के वो बिल्कुल ना खरीदें। अगर आप वो 10,000 का ले रहे हैं, 15,000 का ले रहे हैं, तो वो आप अपने पैसे जो है वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, किसी डस्टबिन में आप डाल रहे हैं। उससे अच्छा है कि डीकोड का जो मॉडल है Signal 2 Pro, जो कि 3+3GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है, 11 महीने की वारंटी है, 13MP ट्रिपल कैमरे के साथ ये फ़ोन आया हुआ है और 5000mAh बैटरी है, और ये फ़ोन जो है Type-C भी है, डुअल स्पीकर भी है, 11 महीने की वारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फ़ोन जो है ये आपको मिलेगा खैर से 24,000 में, ये आपको डिलीवर हो जाएगा। नई की कीमत जो है वो 28,000 रुपये और ये 24,000 में डिलीवर हो जाएगा। हमारे पास एक और फ़ोन है Realme का GT मास्टर एडिशन है, जो कि 10x10 कंडीशन में है, 8+256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है और अंडर वारंटी है, फुल पैकिंग में है, फ्रंट से साइड से बिल्कुल ठीक है, इसकी पैकिंग अभी आई नहीं है, यानी कि डब्बा, चार्जर, हैंडफ्री सब कुछ, वो हैंडफ्री तो इसके साथ होती भी नहीं है Realme के साथ, बॉक्स वगैरह आ जाएगा इंशाल्लाह कल तक या परसों तक आ जाएगा। और इसकी जो कीमत है वो जो नई की कीमत है वो 80+ जा रहा है मार्केट में, और ये आपको मिलेगा 70,000 में, आपको ये मिल जाएगा यूज़ में जो होता है। अच्छा इसके अलावा एक मैं हूँ और एक मेरे साथ भी मैं हूँ, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है, ये एक टैबलेट है बच्चों के लिए, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा टैबलेट है, जो कि आप देख सकते हैं कि आप इसको यानी कि स्टैंड में मुंह पे रख सकते हैं इस तरह। और ये जो टैबलेट है ये बाहर से आए हैं, लॉट का माल जिसे कहते हैं, तो वो वाले टैबलेट है। ये आपको मिलेगा 7,500 रुपये में, आप एक चाहते हैं, दो चाहते हैं, जितने चाहते हैं इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप दुकानदार हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये टैबलेट चाहिए अपने दुकानदारी के लिए, कारोबार के लिए, तो हम आपको भी इंशाल्लाह ये अच्छी क्वान्टिटी में मैसर कर सकते हैं। अगर बात रेट की होगी थोड़ी बहुत गुंजाइश करने की, तो दुकानदारों के लिए क्वांटिटी पर अगर वो लेंगे तो उनके साथ ज़रूर गुजारिश यानी कि प्यार मोहब्बत की जाएगी। अच्छा हमारे पास जो Lenovo का टैब है, जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी, Lenovo का टैब है हमारे पास, Type 4 8 इंच का टैब है, डुअल स्पीकर के साथ है, IPS HD है, डुअल फ्रंट स्पीकर के साथ है, मल्टी यूज़र अकाउंट्स है, Lenovo किड्स अकाउंट है, और ये जो फ़ोन ये जो टैबलेट है 2GB 16GB है, और यहाँ पर जो है सिम स्लॉट भी दिया गया है, PDC अप्रूव नहीं है, और ये 10x10 कंडीशन में, इसके साथ चार्जर नहीं है लेकिन चार्जर के साथ आपको दे दिया जाएगा, और ये आपको डिलीवर होगा 15,500 रुपये में। और हमारे पास जो अगला टैबलेट है वो है सैमसंग का Galaxy Tab A है, जो कि PTS अप्रूव नहीं है और डेटा सिम वर्किंग है, इस पर आप दोनों टैबलेट यानी कि व्हाट्सएप वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको डिलीवर होगा 16,500 में ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा इनके साथ चार्जर नहीं है लेकिन चार्जर आपको जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा
हमने इस टैबलेट की बात की थी, तो ये टैबलेट जो हमारा इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, छोटा सा मुनासा अल्कैटल का टैबलेट है जो कि हांगकांग से बेसिकली आया गया है। और ये जो टैबलेट है 1.5 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है, लेकिन एंड्रॉयड जो वर्जन है इसका वो 9 वर्जन में ये टैबलेट दिया गया है। तो वर्जन की बात इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उस वजह से आपका जो 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 सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने में जो कंपेटिबिलिटी होती है तो उसमें यानी कि ज़्यादा आसानी होती है इस्तेमाल में। तो ये तमाम तर जो फ़ोन्स मैंने दिखाए हैं आपको, या पीछे जो फ़ोन्स आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे ओप्पो के, सैमसंग के, वीवो के, टेक्नो के, आईटेल के, नोकिया के, छोटे फ़ोन, बड़े फ़ोन, तमाम तर जितने भी फ़ोन्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, आप इनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर फ़ोन पर आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले कीमतों के हवाले से, या जो चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं और वो आपको स्क्रीन पर नज़र आए, तो हमारी वेबसाइट ओपन करें www.whiteapple.com.pk, वहाँ पर देखें जो अवेलेबिलिटी होगी और वही आपको नज़र आएगी, तो उसी के बारे में आप सवाल करें तो हमें भी आसानी होगी, आपको भी आसानी होगी। इसके अलावा जो 500 रुपये की रकम जो हम आपसे एडवांस में मंगवाते हैं, वो हमारे एक UBL का अकाउंट है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का अकाउंट है, जो कि GT रोड पेशावर का है, वो भी काशिफ खान यानी कि मेरे नाम से है। जो हमारा जैस कैश का नंबर है वो भी सिर्फ काशिफ खान के नाम से है, और जो हमारा इजी पैसा अकाउंट है वो भी सिर्फ काशिफ खान के नाम से है। मेरे जोंग का नंबर है जो कि आपके साथ स्क्रीन पर शेयर नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ मैं यानी कि जो इजी पैसा और जैस कैश है उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो जिस मकसद के लिए उस नंबर को इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ काशिफ खान के नाम से है। 500 की रकम से ऊपर हम रकम मांगते भी नहीं हैं। अगर सपोज़ एक फ़ोन है जिसकी कीमत 1 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, तो उस सूरत में हम आपसे 10,000 रुपये एडवांस ज़रूर मंगवाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो हमारी सर्विस है वो आपको अच्छी लग रही होगी, और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम तर अपने व्यूवर्स का कि हमें यानी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह वो 70,900 पे पहुंच चुके हैं। मैं कई चैनल वाले ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे यानी कि मोबाइल सेलफोन के वाले से अपना चैनल रन कर रहे हैं, उनसे हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आ चुके हैं और आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ एक बुनियाद पर अगर आप भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो अगर हमारी कामयाबी का जो राज है वो ये है कि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की वजह से। अगर एक फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है, वो जिस कंडीशन में है, वो जैसी चीज़ है, जैसी कीमत में मार्केट में आती है, उसी को उसी तरह हम बयान करते हैं, छुपाते नहीं हैं, इधर उधर नहीं करते हैं, जो चीज़ जैसे है कि हर एक चीज़ का ख़रीदार होता है। आप सपोज़ मैं बात करता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप रास्ते में से गुजर रहे हैं, एक हड्डी पड़ी हुई है रास्ते में, अब वो हड्डी जो होती है वो आप उसको लात मार देते हैं, साइड पे कर देते हैं, लेकिन एक बंदा दूसरा आएगा, गरीब आएगा, वो उसको उठाएगा, बोरी में डालेगा और कबाड़ी के पास जाएगा, उसको बेच देगा। तो हर एक चीज़ का ख़रीदार होता है। आप अपनी जो चीज़ जो बिज़नेस आप करते हैं उसको आप यानी कि आगे लेके जाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं और उसको चाहते हैं कि कामयाब हो, तो आप भी इस सुन्नत पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, चैनल पर भी देगा और वैसे भी यानी कि आप मार्केट में जो काम कर रहे हैं उसमें देगा। धोखा जो है वो बेसिकली हम यानी कि कस्टमर को नहीं दे सकते। हमें लगता है कि हमने कस्टमर को धोखा दिया और हमने जो है यानी कि 2,000-3,000 रुपये कमा लिए, बेसिकली में वो धोखा वो हम खुद के ही दे रहे होते हैं, क्योंकि शाम को फिर किसी डॉक्टर को हमने 6,000 की किसी डॉक्टर ने हमें 6,000 का टीका लगा देना होता है। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें शोर शराबा, लोड शेडिंग वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें, या अद्वियात 2 नंबर हो गई है, खुराकें भी 2 नंबर क्यों हो गई हैं, इसी वजह से कि धोखा ज़्यादा बढ़ गया, जो भी धोखा करेगा वो धोखा खाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलो दिमाग से चीज़ें निकल चुकी हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें यानी कि एक मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अजाब में मुबतला है। अगर हम काम ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे, इनकी एक ईमानदारी के साथ करेंगे और सच्चाई के साथ करेंगे, तो आप भी कामयाब रहेंगे, हम भी कामयाब रहेंगे। जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी यानी कि जो सर्विस है अच्छी लगी, तो अल्लाह उनको इज़्ज़त दे और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन हजरात को अच्छी नहीं लगी और बुरी लगी तो वो जरूर कमेंट करें, लेकिन अदब के दायरे में रहकर, ताकि आप अपने खानदान को, अपने आप को, अपनी नस्ल को जो है यानी कि अच्छा साबित करें। तो मेरी बड़ी गुजारिश रहेगी आपसे, क्योंकि मैं एक पठान हूँ और पठान जो है आपको पता भी कि कैसा होता है। और थैंक यू काशिफ खान यूसुफ़ज़ई और उसकी टीम की तरफ से, अल्लाह हाफिज़।